नमस्कार, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोस्टेड बोनलेस चिकन। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: 1 चम्मच बड़ा चम्मच बाजिलिकॉम पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच क्रोयदन किपन क्रोयदन, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच इसमें से हमें पेस्तो चाहिए। ये पेस्तो हम सामने ही यूज़ करेंगे। लीजिए, ये चिकन हमने लिया 500 ग्राम। अब इसमें सभी मसाले मिक्स करते हैं। नींबू का रस, ये ऑलिव ऑयल, इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऐसे इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच पेस्तो। इससे चिकन खाने में और टेस्टी लगेगा और अच्छा बनेगा। देखिए, इस तरह से इसे हम 5 मिनट रखेंगे। इसके बाद ओवन के अंदर जाएगा। ये ओवन हमने रखना है 180 डिग्री, और उसके बाद चिकन रखने के बाद हमें उसे 20 मिनट तक ओवन में इसे रोस्ट करना है। आइए, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हम ओवन के अंदर रखते हैं। चिकन हम 20 मिनट के लिए रखेंगे। आइए देखते हैं, 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और चिकन हमारा, पहले ओवन बंद करते हैं। वाह, चिकन हमारा रेडी है। ये लीजिए, हमने इसे बाहर निकाल लिया। इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अरे वाह, चिकन के हम पीसेस करेंगे। अभी ज्यादा गर्म है, ये देखिए।
ये हमारे पीसीस कट के तैयार हैं, इन्हें हम गार्निश के लिए रेडी करते हैं। ये हमारा चिकन बनकर तैयार है, इसके हमने पीसेस काट लिए और प्लेट में डेकोरेट कर लिए हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें हम आपके लिए कुछ और दोबारा बनाएं, तो हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।